समूह के युवा कृषक सुनील कुमार का कहना है कि सुपौल जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा सुपौल द्वारा इन्हें वैज्ञानिक तकनीक से खेती एवं कृषि सह व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया गया और प्रशिक्षण दिलाया गया, फलस्वरूप फिर शुरू हुआ आगे बढ़ने का सिलसिला। मेरा नाम सुनील कुमार है, पिता श्री हल्दर प्रसाद साह, मेरा गाँव पड़ता हटवरिया, पंचायत निर्मली, प्रखंड पिपरा। हम लोग 5 किसान मिल के यहाँ 17 एकड़ लिए हैं लीज पे 21 साल के लिए, जिसमें कि हम लोग मछली पालन, सेडनेट है, पॉली हाउस है, गौ पालन है, बकरी पालन, बर्मी कंपोस्ट है। प्रतिदिन मछली निकल जाता है 15 क्विंटल 20 क्विंटल, यहाँ लोकल व्यापारी सब ले जाता है। मछली 200 रुपये बिकता है, 160 बिकता है, जो जैसा वैरायटी रहता है उसके अनुसार बिकता है। पंघास है, रेहू, कतला, नैनी, कॉमन कार्प। पहले हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, समूह में मिल के करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता रहता है, हम लोग को उतना कॉपरेट भी मिल जाता है, दूसरे सबसे भी कम लागत भी लगता है। हम लोग का घर परिवार पहले की तुलना में काफ़ी समृद्ध हो गया है। सरकार हम लोग को भी मदद दी है, जिसमें सब्सिडी भी मिला है इसका, तो हम लोग मिल के किए हैं तो हम लोग का सपना है और भारत बढ़े। जहाँ तक तकनीकी ज्ञान का सवाल है, हम लोग को आत्मा से प्रशिक्षण मिला है। कृषि के जो अन्य आयाम हैं, जैसे आपको आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गौपालन भी हो रहा है, साथ ही साथ संरक्षित खेती जिसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहा जाता है, उसके तहत पोली हाउस और सेडनेट में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, उद्यानिक फसल, जैसे सेडनेट में सब्जी की खेती, पोली हाउस में जरबेरा फ्लावर और आपको डच रोज की खेती, ये सारी खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी प्रेरणा देखिए कि जब ये इन्होंने शुरू किया तो ये दो चीज़ से शुरू किया, बाद में इन्हें लगा कि नहीं, अगर इसका स्वरूप हम बदल दें, समेकित कृषि के पद्धति के रूप में ले जाएं तो और इसमें आय होगा। उसी प्रेरणा से प्रेरित हो करके इन्होंने गौ पालन भी शुरू किया है, मुर्गी पालन भी शुरू किया है, बत्तख पालन भी शुरू किया है, और इस तरह से एक समेकित कृषि प्रणाली का स्वरूप दिया है। इस प्रकार एक कड़ी के रूप में एक खेती दूसरे खेती से जुड़े हुए हैं, एक जो एक्टिविटी है खेती का पशुपालन से जुड़ा हुआ है, फिर वर्मी कंपोस्ट से जुड़ा हुआ है, फिर उद्यानिक खेती से जुड़ा हुआ है, फिशरीज से जुड़ा हुआ है और बत्तख पालन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सबों का एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता और पूरक के रूप में कार्य करते हुए एक समेकित कृषि प्रणाली के रूप में ये आज इतना विकसित हो गया है कि वो लोग अपने आय को बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना फर्म चला रहे हैं।